हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। आप देख रहे हैं सिडनी सिक्सर्स वुमन वर्सेस मेलबर्न रेनेगेड्स वुमन बीबीएल टी20 मैच जो खेला जाएगा नॉर्थ सिडनी ओवल पे। तो स्टूडियो में आपको बताऊंगा हेड टू हेड मैचेस में क्या होता है, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तो क्या सामने निकल कर आता है, जब इस वेन्यू के ऊपर मैचेस में नॉर्थ सिडनी ओवल पे तो कौन से प्लेयर्स और परफॉर्मेंस देके आते हैं, आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में कैप्टन एंड वाइस कैप्टन किसको बनाना है, तो स्टूडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहना भाइयों तक। तो बिना देरी के यहां पे वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच नॉर्थ सिडनी ओवल पे खेला जाएगा और ये मैच करीबन दोपहर के 1:35 पे स्टार्ट होगा। तो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, आपको टेलीग्राम से जुड़ जाना है, क्योंकि यहाँ पे लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपने टेलीग्राम के अंदर जाना है, वहाँ पर सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji। जैसे ही आप सर्च करते हो चैनल मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको करंटली 47,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टैट्स गुरुजी का लोगो दिख जाएगा, आपको नीचे ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सिंपली सर्च कर लेना है @StatsGuruji, आपको ध्यान से जुड़ना है, जिसके अंदर 47,000 प्लस सब्सक्राइबर्स रहे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी फेक चैनल्स बनी हुई है, आपको ध्यान से जुड़ना है, इसलिए कह रहा हूँ। आपको मैं लिंक ना कमेंट सेक्शन में पिन करके दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, पिच रिपोर्ट की, क्या खास है दोस्तों पिच के अंदर। आपको सबसे पहले बताऊंगा, इस वेन्यू के ऊपर ना 7 नवंबर के बाद ये मैच हो रहा है, तो दोस्तों आप सोचो यहाँ पे किस तरह से पिच बिहेव करेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी पिच रिपोर्ट की। तो आपको देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पिच रहेगी न्यूट्रल पिच रहेगी, ठीक है, बैट्समैन और बॉलर्स को सम्मान मदद मिलेगी, ये साधारण सी बात है। यहाँ पर दोस्तों स्पेशल चीज़ क्या है, जो पिच रहेगी ना, जब आप देखते हो विकेट रेशियो, तब आपको पता लगता है कि पिच के अंदर स्पिनर्स के लिए कुछ ना कुछ है। यहाँ पर लास्ट 10 मैचेस के अंदर ना 6 टाइम्स चेस करने वाली टीम जीती है, 4 बार यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। मेरे हिसाब से जो टीम यहाँ पे टॉस जीतेगी ना, बॉलिंग करना प्रीफर करेगी, वो देखेगी पिच किस तरह से बिहेव करती है, पहले खुद पड़ेगी फिर वो जाके बैटिंग करेगी वहाँ पे। और इस वेन्यू के ऊपर दोनों टीम्स ने आपस में एक बार खेला और दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस वेन्यू के ऊपर कौन सा, नॉर्थ सिडनी ओवल पे मेलबर्न रेनेगेड्स ने और सिडनी सिक्सर्स ने 2 मैचेस खेले, एक मेलबर्न रेनेगेड्स ने जीता, एक सिडनी सिक्सर्स ने जीता। एवरेज रन करीबन 120 to 160 बनता दिखेगा। यहाँ पे लास्ट 10 मैचेस में क्या कहानी रही थी, आपसे बयां करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, आप खुद स्पिनर्स ने 53 विकेट निकाले हैं, पेसर्स ने 56 विकेट निकाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो स्पिनर्स हैं ना, वो आगे निकल रहे हैं। जो लास्ट मैच हुआ था वो भी यही चीज़ बयां कर रही है, 9 विकेट स्पिनर्स के हैं, 4 विकेट यहाँ पे तेज गेंदबाज के हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पिनर्स की इंपॉर्टेंस रहेगी इस मैच के अंदर, सन्नी वेदर रहेगा दोस्तों, इससे बेटर बात कर सकते हैं। पूरा मैच आपको होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल इंटरप्शन नहीं आएगी इसी बात पर। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, बड़ी शिद्दत से अपन कर किसको वुमन बिग बैश लीग को कवर करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे इसकी हेड टू हेड मैचेस में क्या हुआ, दोनों टीम्स ने आपस में 12 मैचेस खेले हैं। सिडनी थंडर 9 बार, आई थिंक जो सिडनी सिक्सर्स है ना वो 9 बार जीती है, मेलबर्न रेनेगेड्स यहाँ पे 3 बार जीती है। मेरे हिसाब से सिडनी सिक्सर्स सबकी फेवरेट रहेगी, क्योंकि इसके अंदर 200 स्टार खिलाड़ी है। सबसे पहले न्यूज़ क्या आ रही है, आप देखो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से न्यूज़ ये आ रही है कि यहाँ पर हेली सिल्वर होम्स आ चुकी है स्क्वाड के अंदर, फुट इंजरी से आई थिंक 1 या 2 वीक के लिए बाहर हो गई थी, है ना, 4-5 मैचेस उन्होंने खेले नहीं टूर्नामेंट के बीच के अंदर, यह अब आ चुकी है वापस। ये अपनी कट्टर बॉल्स के लिए फेमस है, और यहाँ पे एशले गार्डनर जिनको कॉन्क्यूजन हुआ था, मतलब फील्डिंग के टाइम पे इनको बॉल लग गई थी, है ना, तो ये अब आ चुकी हैं स्क्वाड के अंदर, और इनका डिसीजन लिया जाएगा कि ये मैच में खेलेंगी नहीं खेलेंगी मैच से पहले, मतलब वो रहता है इनका टेस्टिंग टेस्ट वगैरह रहते हैं, तो उसके हिसाब से पता चलेगा। यहाँ पर बात करें किसकी लाइनअप्स की, आप कहाँ से दिखेंगी, आलिसा पैरी कैप्टनसी करिए, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, राइटी बैटिंग करती है, राइट मीडियम पेस बॉलर, फिर आएंगे यहाँ से आलिसा हेली, गिव अवे क्या है, हैशटैग लगा दो, एचजी फैमिली लिख दो, और आपको AH इक्वल्स टू कितने रन बनाए जाएंगे, फिर आप लिख देना ए हेली, आपकी मर्जी, मैं तो आपको बस काम छोटा करना चाहता हूँ, आप AH लिखो तो भी चलेगा, हैशटैग लगाना जरूरी है एचजी फैमिली करके, आपको कमेंट करना है कि कितने रन बनाए जाएंगे, 10, 11, 12, 13 एक ही कमेंट करना है, 1 पर्सन का एक कमेंट अलाउड है विदाउट एडिट, जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसको 100 रुपीज का गिव अवे मिलेगा, आपको कमेंट कर देना। फिर आएंगे यहाँ से एशले गार्डनर, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, ये 1 डाउन बैटिंग करती है, फिर आएंगे इरिन बिन्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म ऑफ स्पिनर, फिर आएंगे यहाँ से डैन वन नाइग्रिक, ये क्या है, ये ओवरसीज प्लेयर है साउथ अफ्रीका की, 4 ओवर डालने का दमखम रखती है, मैंने टिमकी मारी है छोटी सी, उसका मतलब है कि 4 ओवर डालने का दमखम रखती है, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेग स्पिनर, फिर आएंगे मजरीना कैप, फिर आएंगे यहाँ से एंजेलो रिक्स, राइट हैंडेड बैट्समैन, फिर आएंगे जोडी एक्स, राइटी बैटिंग, सारा अली राइट आर्म मीडियम पेस, स्टेला चैम्बल राइट आर्म फास्ट, हेलिवर्ट सिलोनस राइट आर्म मीडियम, सबसे तेज गेंदबाज कौन सी इस टीम की, स्टेला चैम्बेल है इस टीम की सबसे फास्टेस्ट बॉलर। यहाँ पे बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की, इनका स्क्वाड अनचेंज है, मेरे हिसाब से
प्लेइंग 11 भी अनचेंज रहेगी क्योंकि पिछला मैच जीत के आ रही है एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट में। आप देखो लिजिली यहाँ से ओपनिंग करती है, सोफी मिलॉटसन के साथ आएंगी। लिजिली ओवरसीज प्लेयर है, कहाँ की? ये साउथ अफ्रीका की। सोफी मिलॉटसन यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग कराती है, चार ओवर डालने का दमखम रखती है। और यहाँ से आएंगे जोसेफी डोलनी, ये राइट हैंडेड बैट्समैन विकेट कीपिंग, एम एस अथर्वेट कैप्टनसी कर रही है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। फिर आएंगे यहाँ से कर्टनी वेब राइट हैंडेड बैट्समैन, फिर आएंगे कैरी लेसन, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है इस टीम की। मैं कह सकता हूँ एक एक्स फैक्टर रहेगी, ये चलती है तो टीम जीतती है ज़्यादातर। ये राइट मीडियम पेस बॉलर, चारों डालने का दमखम। यहाँ से आएंगे मिंकली ब्लोज, होगा क्या? ये तो चारों डालेंगी, सोफी मिलॉटसन, कैटली लेसन डालेगी, मॉली शानो डालेगी, लीताओ डालेगी। अब यहाँ पे बात क्या बनती है, मैंने ये वाला ऐसा क्यों एक मैंने टाइप बनाया दोनों पे, एक तो मिंकली ब्लूज पे बनाया, एक बनाया मैंने एला हेवर्ड पे। इसका मतलब है कि ये दोनों में से एक बॉलर ना चार ओवर डालेगा। अगर मिंकली ब्लूज की बॉलिंग अच्छी जाती है तो ये डालेंगी, वरना एला हेवर्ड जो स्पिनर है उसकी बॉलिंग अच्छी जाती है ना पहली ओवर तो ओवर कंटिन्यू करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। फिर आएंगी एमिएट्स, ये राइटी बैटिंग करती है। फिर आएंगे यहाँ से मॉली स्टानो, ये ऑफ स्पिनर है, एला हेवर्ड भी ऑफ स्पिनर है, ली ताओ राइट आर्म फास्ट बॉलर है, न्यूजीलैंड की ओवरसीज खिलाड़ी है। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, जब दोनों टीम आपस में खेली तब क्या, आप खुद देखो सिडनी सिक्सर्स जब खेलती है मेलबर्न रेनेगेट्स के अगेंस्ट में तो एलएसए पैरी यहाँ पे 11 मैचेस खेली है मेलबर्न रेनेगेट्स वुमन के अगेंस्ट में। हेड टू हेड मैचेस की अपन बात कर रहे हैं, 400 प्लस रन है दोस्तों, यहाँ पे 77 की एवरेज है, हाईएस्ट 67 है। आप देख लो 77 की एवरेज है और रन हाई में हाईएस्ट 67 है, इसका मतलब क्या, ये कंसिस्टेंटली हर मैच में 50 प्लस करके देती हैं ज़्यादातर, 7 विकेट है। यहाँ से आएंगी अलाइसा हेली, ये एक ऐसी खिलाड़ी है, पिछले मैच में बहुत अच्छा टच में देखी थी, ठीक है, बहुत ही क्लासिक टच के अंदर देखी थी सिडनी थंडर के अगेंस्ट में, 12 मैचेस के अंदर 35 के एवरेज, 383 रन्स, हाईएस्ट 84 है दोस्तों, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। आपको देखेंगे यहाँ से एशले गार्डनर, 12 मैचेस के अंदर 218 रन है, 18 की एवरेज, 56 हाईएस्ट, 8 विकेट है। ये गेंदबाजी कराएंगे अगर खेलती हैं तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेंगी। यहाँ से आएंगी इरिन बिन्स, पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच, 8 मैचेस में 4 विकेट, 19 के एवरेज, हाईएस्ट यहाँ पे 53, 113 रन है मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट में, डेथ ओवर में बॉलिंग करा रही है, खासकर ऑफ स्पिनर है ना, इसलिए आपको देखेंगे यहाँ से डैन वन नाइग्रिक, 7 मैचेस के अंदर 101 रन, 34 के एवरेज, हाइस्ट 51, 10 विकेट, ये अच्छी बॉलिंग करा लेती है, सब इनके साथ जाएंगे मेरे हिसाब से, तो इनका सिलेक्शन परसेंटेज ज़्यादा हो चुका है। फिर आएंगे यहाँ से मजरीन के ऐप, 10 मैचेस के अंदर 11 विकेट है, 23 की एवरेज है, हाईएस्ट यहाँ पे 92 रन है, हाइस्ट 52 है दोस्तों, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, पर इनको आई थिंक जनता अवॉइड करेगी, आपको ध्यान देना, मैं बताऊंगा क्यों लेना आपको उनको। एंजेल एडवर्क्स दिखेंगे आपको, 7 मैचेस में 2 विकेट है, 18 रन से ओनली, सारे लेके 10 मैचेस में 12 विकेट है। मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट में अपन हेड टू हेड मैच की बात कर रहे हैं, स्लैच एम्बल के 2 मैचेस के अंदर 3 विकेट है, लॉरा चैटल शायद ही खेलेंगे, 3 मैचेस में 4 विकेट है। जो आपको पता है क्या, लॉरा चैटल को ना टीम ने अच्छे से यूज़ नहीं करा, वरना इतनी दमखम रखती है, ये किसी दूसरी टीम के पास रहती ना तो टीम इसको अच्छे से यूज़ करती। ये लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलर, अच्छा एंगल बनाती है, जस्टिन बैरनडॉफ की तरह। लिसा ग्रिफ्ती 1 मैच में 2 विकेट है, हेलिवर्ड सेलिन होम्स का 3 मैचेस में 2 विकेट है, डेथ ओवर आपको पता कौन दिखेगी, स्लैच एम्बल कंफर्म है, एक ओवर डालती हैं एक मुश्किल से, ठीक है, सारा एली एक ओवर डालेंगी, ठीक है, हेलिवर्ड सेलिन होम्स अगर खेलती हैं तो एक ओवर डालेंगी, फिर यहाँ से एशले गार्डनर भी एक ओवर डालती हैं। मतलब इनका ऐसा नहीं है कि जो डेथ ओवर में ना एक बॉलर 2 डालेगा, ऐसा नहीं है, हर एक बॉलर डेथ ओवर में एक एक ओवर डालता है। यहाँ से बात करते हैं मेलबर्न रेनेगेड्स की, आप यहाँ से लीजिली दिखेंगी, इनका सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट के मैचेस के अंदर 7 मैचेस के अंदर 210 रन है, हाईएस्ट 102 इस टीम के अगेंस्ट में शतक जड़ रखा है। एक बार चालू जाती है ना, 2 खिलाड़ी आपको पता कौन, एक तो एलिसा हेली उस टीम की विकेट कीपर, सिडनी सिक्सर्स की, मेलबर्न रेनेगेड्स की विकेट कीपर है लीजिली, ये दोनों एक ऐसी खिलाड़ी है इंटरनेशनल स्टेबलाइज खिलाड़ी है दोनों, एक बार चालू हो गई ना तो रुकने का नाम नहीं लेती है। यहाँ से सोफी मिलॉटसन दिखेंगी, पिछले दोनों मैचेस में आप देखो लीजिली की अच्छी नॉक थी 48 की, यहाँ से फिर एलिसा हेली ने 44 करा था कुछ 21-22 बॉल के अंदर, तो ये दोनों ना मुझे अच्छे टच में देखी थी पता है। और स्पेशल चीज़ क्या है, ये दोनों एक ऐसे खिलाड़ी है सिंगल हैंडेडली पूरा मैच कन्वर्ट कर सकती है, दोनों को ड्रॉप करना रिस्क ही रहेगा, बताऊंगा आप किसको ड्रॉप कर सकते हो विद द लॉजिक। यहाँ से सोफी मिलॉटसन 18 की एवरेज 11 मैचेस में 200 के आसपास रन, 55 7 विकेट, ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है, पिछले मैच की मैन ऑफ द मैच 3 विकेट निकाले उन्होंने, 55 की पारी खेली थी। यहाँ से आएंगे फिर कौन, जोसेफी डोलनी, 2 मैचेस के अंदर 14 रन है, एम एस एथरवेट 6 मैचेस के अंदर 14 की एवरेज है, 87 रन, 44 है। फिर आएंगे रिन फजा खेली, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉटनी वेब आएंगी 6 मैचेस के अंदर 19 की एवरेज, 89 रन, 34 है। क्या मैच जीता था दोस्तों, मुझे याद अभी भी जो सेकंड लास्ट मैच था मेलबर्न स्टार्स के अगेंस्ट में, कुछ 60-70 की पारी खेली थी कर्टनी वेब ने, बहुत अच्छी खिलाड़ी है, अभी मिडल ऑर्डर के अंदर जब आप एम एस सितरवेट को हटाते हो ना तब इसको ट्राई करना है।
एमी एट्स ने नौकर एस टीम के गेम्स में सिडनी सिक्सर्स के मिंगली ब्लोज तीन मैचेस में जीरो विकेट है। कैरी लेसन के तीन में एक विकेट है। ये पहले सिडनी सिक्सर्स के लिए खेल चुकी थी कैरी लेसन, एक्स प्लेयर है। मॉरिस स्टानो 12 मैचेस में 13 विकेट है, 72 रन है दोस्तों। अच्छी खिलाड़ी है, बहुत ही रेपुटेटेड। ये फर्स्ट प्लेयर है जो वुमेन बिग बैश लीग के अंदर 100 प्लस विकेट निकाली हो, ठीक है, इतिहास के अंदर। तो इतिहास भी रचा है बहन जी ने। आपको देखेंगे ली ताओ 7 मैचेस में 5 विकेट है। एला एवर्ड टीम के गेम्स में खेली नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बार मेलबर्न स्टार्स के गेम्स में 4 विकेट निकाला था 16 रन देके, तब वो टाइम अलग था दोस्तों। देखते हैं इस बार कर पाती है नहीं कर पाती है। डेथ में देखेंगे सोफी मिलनॉक्स, कैरी लेसन, मॉरिस स्टानो। आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ, ठीक है। ये कंफर्म आपको देखेंगे मॉरिस स्टानो डालती है, कैरी लेसन डालती है, सोफी मिलनॉक्स डालती है, कभी कभी ली ताओ भी आ जाती है कोर्ट लेके। यहाँ पे बात करते हैं इस वेन्यू के ऊपर जो मैचेस हैं, सिडनी सिक्सर्स के एलिस पेरिगाम का 65 की एवरेज है 13 मैचेस के अंदर। ये उनका होम ग्राउंड है, गढ़ है, 500 प्लस रन है, हाई स्टिक्स 102, 9 विकेट। T20 मैच के अंदर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया उनकी तरफ से भी एक दो विकेट निकाले उन्होंने। एलिसा एली 24 की एवरेज 13 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर, 310 रन है, हाई स्टेडी 4 है। ये एक बार चलना चालू होती तो चलती रहेंगी, वरना जल्दी आउट हो जाएंगी। आपको पता है वुमेन का T20 के अंदर हाई स्कोर कितना रहा है, 148। किसने बनाया था, एलिसा एली ने श्रीलंका के अगेंस्ट में पिछले साल, याद है ना आपको, 61 बॉल्स के अंदर। ये दोस्तों एक ऐसी खिलाड़ी है, वही बात रिपीट हो रही है यार, वीडियो लंबा ज्यादा है। एक बार चलना चालू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेंगी, वरना ये जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ चली जाती है। ये T20 इंटरनेशनल स्टैट्स के ऊपर एशले गार्डनर 34 की एवरेज, 12 मैचेस में 8 विकेट है, दमखम रखती है। रहेंगी एरियन मिंस 9 मैचेस में सिर्फ 1 विकेट है। स्वैनी के ऊपर इतनी ज़्यादा बॉलिंग से स्वैनी के ऊपर उन्होंने कारनामे नहीं करे, 112 रन है। डेनवन नागरिक 7 मैचेस में 51 की एवरेज, 8 विकेट है, 101 रन है और हाईएस्ट 32 नॉट आउट। मजरीना कैप कहाँ पे 55 की एवरेज है, 10 मैचेस के अंदर 11 विकेट्स है, ये भी दमखम रखती है। ये दोनों प्लेयर्स है ना, ये बहुत रेपुटेड खिलाड़ी है। फिर आएंगे ऐसे एंजेलो रेक्स 4 मैचेस के अंदर 2 विकेट है, सारे लेकिन 9 मैचेस में 13 विकेट है। T20 टैच के अंदर विकेटलेस रही थी। शला चैम्बल देखेंगे आपको 4 मैचेस के अंदर 5 विकेट है स्वैनी के ऊपर। फिर आएंगे यहाँ से लॉरा चैटल 2 में 2, हेलर सिलोम्स के 7 मैचेस के अंदर 5 विकेट है। लास्ट जब स्वैनी के ऊपर मैच होता था ना 7 नवंबर को, तब इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। लिसा गिरफ्ती 5 मैचेस में 2 विकेट है। मेलबर्न रेनेगेड्स की बात करते हैं, यहाँ पे लेजीली ने 2 करा, 64 करा। सोफी मिलनॉक्स 3 विकेट, 25-24, फिर यहाँ से 0 विकेट है, फिर यहाँ से 0 विकेट है। ये ना पहले बहुत कम बॉलिंग कराया करती थी, ये 2019 से बॉलिंग कराना ज़्यादा चालू करी है, उससे पहले बहुत कम डालती थी बॉलिंग, 1-2 डालती थी, तो इसलिए इनके विकेट्स थोड़े कम है पिछले के टाइम पे। पर बैटिंग से वही इनकी क्लास दिखी है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से यहाँ पे इंटरनेशनल के अंदर 2 मैचेस में 0 विकेट है। जोसेफ डोलनी 8, एम एस अथरवड़ 1। यहाँ पर न्यूजीलैंड वुमेन की तरफ से स्वैनी के ऊपर एक बार खेली थी, 200 रहा था, कट्टी में हमने 14। जॉर्जिया वेरम खेलेंगे नहीं दोस्तों, बहुत अच्छे खिलाड़ी थी यार। कैरी लेसन यहाँ पे 2 विकेट है, 31 की नॉक खेल चुकी है, स्वैनी को पसंद करती है। मॉरिस स्टानो 1 विकेट, फिर 2 विकेट है, फिर 2 विकेट है, फिर 3 विकेट है, इस स्वैनी को बहुत पसंद करती है मॉरिस स्टानो। ली ताओ के यहाँ पे 3 मैचेस में 4 विकेट है, ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी। अब आप देखो दोस्तों यहाँ पर लास्ट ईयर का कैसा परफॉर्मेंस रहा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने पहले एक्सप्लेन करा पूरा, वीडियो लंबी हो जाती है। फिर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर बात करते हैं प्लेयर बैटल की, जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो सोफी मिलनॉक्स है ना, वो यहाँ पर लास्ट 6 पारियों के अंदर 3 दफ़ा मजरीन कैप से आउट हुई है, ठीक है। फिर आपको लेजिली देखेंगे ये लास्ट 6 पारियों के अंदर, मैं कह सकता हूँ 7 पारियों के अंदर 3 बार आउट हुई है मजरीना कैप के सामने लेजिली। इवन जो लास्ट मैच होता ना उसके अंदर भी लेजिली को किसने आउट करा था, मजरीन कैप ने। ये बताऊँ क्या हो रहा था, आपको एक चीज़ बताऊँगा कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स होते हैं ना, वो आपस के अंदर बहुत अच्छी प्लेयर बैटल रखते हैं, जैसे कि लिजी ली वर्सेस डैन वन नाइग्रिक, या फिर आप मजरीन कैप देख लो, ये आउट कर देते हैं एक दूसरे को, ये मैंने ऑब्जर्व करा था। जैसे एम एस अथरवड़ दिखेंगी, एक मुगेन डुप्रीज भी थी ना अपनी, उसको भी आउट कर रखा है लोगों ने, कौन, डैन वन नाइग्रिक ने और मजरीन कैप ने। यहाँ से फिर आएंगे एम एस अथरवड़, इनका थोड़ा सा स्ट्रगल एस्टर गार्डनर के सामने ज़्यादातर हुआ है 2-3 मैचेस के अंदर। यहाँ से आपको देखेंगे एलिसा हेली, इनका स्ट्रगल रह रहा है सोफी मिलनॉक्स के सामने 8 पारियों के अंदर, लास्ट 4 पारियों के अंदर एलिसा हेली सोफी मिलनॉक्स के सामने आउट हुई है। वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, पर आपको एक चीज़ क्या ध्यान देनी है, पिछले मैच के अंदर एलिसा हेली ने कौन थी वो, सोफी मिलनॉक्स को 1 ओवर के अंदर 15 मारा था। तो कहने का मतलब क्या है, चांसेस बनते हैं कि एलिसा एली को सोफी मिलनॉक्स आउट कर सकती है, लेकिन आपको ध्यान देना है वही बात रिपीट होगी, एक बार ये चलना चालू हुई ना, आप वहाँ पे वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर बुला लो, मिचेल स्टार्क को बुला लो, उसको भी मार देगी। ऐसी खिलाड़ी है दोस्तों इनके, आपको बता रहेगा मिचेल स्टार्क तो उनके हस्बैंड है। यहाँ से आएंगे फिर एलिसा पेरी, इनका सा स्ट्रगल रहा हल्का सा मॉरिस स्टानो के सामने, लास्ट नौ पारियों में 2 बार आउट किया। और जो अपने एशले गार्डनर है ना और एरियन मिंस, वो बहुत अच्छी विक्टिम रही है, मतलब कि मॉरिस स्टानो से बहुत परेशान रही है। एशले गार्डनर 3 बार आउट करा है, एरियन मिंस को भी बहुत बार आउट करा है। और 2 पारियों में तो क्या हुआ था, लास्ट 6 पारियों के अंदर अपन देखते हैं तो 2 बार तो ऐसा हुआ था कि एशले गार्डनर और एरियन मिंस को 1 ही ओवर के अंदर
मॉलिस राम ने आउट कर दिया दो दो बार। ये होता है दोस्तों, मतलब कि समझो एक मैच हो गया मैच नंबर वन, एक हो गया मैच नंबर टू, एक हो गया मैच नंबर थ्री, एक मैच नंबर फोर, एक हो गया मैच नंबर फाइव, एक हो गया मैच नंबर सिक्स। तो ऐसे लास्ट छः मैचेस के अंदर ना, लास्ट छः मैचेस में दो बार ऐसा हुआ कि इसने एशले गार्डनर और इलियन विंस को एक इनिंग्स के अंदर आउट कराओ एक साथ, मतलब दो दो विकेट निकालो। तो आपको चीज़ पे ध्यान देनी है, यहाँ सबको दिखेंगे सोफी मिलनॉक्स, एलिसा वलानी कॉमन कैप्टन, आपको ग्रैंड लीग के अंदर किसको बनाना है, एलिसा पेरी, फिर आएंगे मेरे लिए एलिसा हेली, फिर आएंगे मेरे लिए सोफी मिलनॉक्स। लीजली पंत हो सकती है, इस वैन्यू के ऊपर भी ठीक ठाक खेली है, एशले गार्डनर को ट्राई करना, या फिर मॉली स्टॉन एक बार चल गई तो फिर मेरे हिसाब से सिडनी सिक्सर्स के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, बड़ी चीज़ जैसे अपन गौर करते हैं। मेरे हिसाब से एशले गार्डनर डैथर में बॉलिंग करा सकती है इस मैच के अंदर, या फिर एरिन विंस, ये दोनों में से डैथर में एक ना एक बॉलर बॉलिंग कराएंगे। क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व कराया ना कि एलिसा पेरी ना जो कैप्टनसी कर रही है ठीक है, वो ज़्यादातर गेंदबाजी रहती है ना स्पिनर्स को देती है, सामने वाले चाहे कैसा भी टीम रहे कोई भी खिलाड़ी रहे। यहाँ पे बात करते हैं टीम की, मेरी असल टीम है, कैप्टनसी कर रही है इसके अंदर मेरे लिए एलिसा पेरी, सोफी मिलनॉक्स उप कप्तान, डैनवन नाइग्रिक, सी वेब, ये दोनों को मैं ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं लग रहा दोस्तों। यहाँ पे ये हो गई चैम्बेल, लेसन, मॉली स्टॉन, इनको भी लेके जा रहा हूँ। एरिन विंस यहाँ पर अगर एशले गार्डनर खेलते तो उनको प्रेफरेंस दूंगा मैं, या मैं सत्तर वेडिक को हटा दूंगा यहाँ पर, फिर मैं कैसे भी करके किसको लूँगा जो अपनी एशले गार्डनर उनको। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर दे दूंगा, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली सर्च कर लेना @StatsGuruji, जैसे आप सर्च करते हो चैनल मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको करंटली 47,000 प्लस सब्सक्राइबर दिख जाएंगे, या फिर मैं आपको लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं टेलीग्राम के ऊपर, देखते रहिए स्टैट्स गुरु जी।